अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग करने और असले की नुमाइश की वीडियोस अपलोड करने का लाहौर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने में आया है। अगर इन पहले 11 माह की बात की जाए तो अब तक लाहौर पुलिस ने सैकड़ों मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों ही मुलजमान को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे मुलजमान जो हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, उनके खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? क्या ये ताज़ीरात पाकिस्तान में हवाई फायरिंग के हवाले से पर्टिनेंट कोई दफात हैं या उसके अलावा किसी दफा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाता है? माहिर कानून क्या कहते हैं, माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या कहते हैं, और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो इस बढ़ते हुए रुझान की वजूहात क्या गर्दानते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ₹2020 के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक नई चीज जो थी वो बहुत ज्यादा देखने में आई, और वो थी नौजवानों की जानिब से अपलोड की जाने वाली हवाई फायरिंग की वीडियोस। उसके अंदर देखा जा सकता था कि नौजवान जो है या वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं या असले की नुमाइश कर रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने पहले तो बहुत ज़्यादा एक्शन ना लिया, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ज़्यादा चलाना शुरू किया कि इस तरह से दहशत फैलाई जा रही है, नौजवानों की तरफ से हवाई फायरिंग की जाती है, उसकी वीडियोज़ लगाई जाती हैं और बाज़ औक़ात जो मुखालफीन हैं उनको मारपीट भी कर रहे हैं और हवाई फायरिंग भी साथ साथ कर रहे हैं और उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, तो यकदम लाहौर पुलिस जो थी वो एक्टिव हुई और ऐसे अफराद जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हवाई फायरिंग की वीडियो या असले की नुमाइश करते हुए वीडियोस लगाई हुई थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हमारे साथ इस टाइम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ़ार केसरानी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, मुलजमान को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश का, ये कम नहीं हो रहा। रवा साल कितनी कार्रवाइयाँ की, किस दफात किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आम आवाम भी जानना चाहती है, इन्हीं से जानते हैं। केसरानी साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक शख्स हवाई फायरिंग करता है या असले की नुमाइश करता है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, ये आप लोगों की डोमेन है? देखें, इसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इससे मुतल्लिक, इस तरह के सोशल मीडिया के मुतल्लिक खास तौर पे जो इश्यूज़ हैं, वैसे बेसिकली तो वो डील करने चाहिए एफआईए को, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो जिनको हम भी टेकअप कर लेते हैं ऑब्वियसली, और ख़ास तौर पे जिस पे हवाई फायरिंग का इशू है, ये तो फिर एफआईए के डोमेन में नहीं है, हमारे डोमेन के अंदर आता है, लेकिन जो सोशल मीडिया को डील करना है वो उनके पास आता है। तो सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करना और आगे कोई ऐसा एक्ट होता है उसके नतीजे में, वो तो उसको एफआईए डील करेगी, लेकिन अगर कोई एक्टिवली हवाई फायरिंग करता है और कोई उससे असला बरामद होता है, वो ऑब्वियसली पुलिस को डिपेंड करता है। रवा साल जब ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे देखने में आया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान या लोग जो हैं वो एक जत्था जो है वो फायरिंग करता है और उसको अपलोड कर देता है, पहले पहल कार्रवाइयाँ नहीं हुई, बाद में कार्रवाइयाँ होनी शुरू कर दी, कितने मुकदमात अब तक दर्ज किए हैं, कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया? हमारे लाहौर में इस साल जो टोटल मुकदमे हुए हैं वो 550 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं और उसमें कोई 580-585 के करीब हमने मुलजिम भी अरेस्ट किए हैं उसके अंदर। और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इसमें कुछ शुरू में इश्यूज हमें ये आते हैं कि समटाइम्स उसको जो आईडी होता है उसका, जहाँ से वो जनरेट हो रहा है उसका सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसको ट्रेस करना और थोड़ा सा पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं होता, समटाइम्स वो एफआईए जिस तरह मैं बात कर रहा था उनके डोमेन में आता है, लेकिन चूँकि हमारे पास एक याददाश्त होती है इलाके के एसएचओ के पास और उसको बाज़ औक़ात इलाके के लोगों का पता होता है, हमारे बीट अफसर होते हैं, उनके नोटिस में ये चीज़ होती है, या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें साथ वाले हमसाए की तरफ से या किसी सिटीज़न की तरफ से कंप्लेंट आती है, तो हमारे ये एक्शन हमारे अगर नोटिस में आता है तो उसको पकड़ के फिर हम अरेस्ट करके उन पर पर्चा दे सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमारे पास वेपन भी बरामद हो, तो अगर वेपन बरामद हो और हवाई फायरिंग साबित हो जाए तो उसके ऊपर फिर 337H2 और इसी तरह कोई अगर उससे ज़ख्मी हो जाए हवाई फायरिंग से, कोई नुकसान हो जाए, तो फिर आगे रेलेवेंट दफात भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं। और केसरानी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हवाई फायरिंग या शो ऑफ वेपन की कोई दफात मौजूद ही नहीं?
शो ऑफ वेपन की तो खैर उसमें हमारे पास 188 की कार्रवाई होती है उस पर, लेकिन वो भी तो डिसओबीडियंस है। लेकिन जहाँ तक बात है हवाई फायरिंग की, तो उसका ये बात मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि पूरे PPC में पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर हवाई फायरिंग के हवाले से इन इट सेल्फ कोई ऐसा सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद नहीं है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड ये पंजाब की सूरत हाल है, KPK के अंदर एक नया एरियल फायरिंग एक्ट मंजूर हुआ है, वहाँ पे इसकी पनिशमेंट भी डिफरेंट है और प्रॉपर लॉ मौजूद है। पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर ये नहीं है, और हमें फिर अल्टीमेटली 337H2 इस तरह के हमें दफाक लगा के पर्चा देना पड़ता है। लेकिन ये भी दिलचस्प होगा आपके लिए कि 337H2 की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी रैश और नेगलिजेंट एक्ट जिसके तहत किसी इंसान की जिंदगी सॉरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो उसको कवर करता है। तो हम लोग एरियल फायरिंग को भी उसी सेक्शन ऑफ लॉ में 337H2 को कवर कर रहे होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है दफ़ा तो बनता है, ऑब्वियसली वो रैश एक्ट है उसमें कवर होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर सजा नहीं है। 337H2 का अगर किसी शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें पेनल्टी एंड पनिशमेंट क्या है? अब पहली बात तो ये है कि 337H2 इन इट सेल्फ आइसोलेशन में ये कॉग्निजिबल भी नहीं है, काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं है, आप इसमें पर्चा नहीं काट सकते। लेकिन साथ अगर वेपन रिकवर हो जाए तो 13-20-65 जिसको कहते हैं पुलिस की ज़बान में, आप वेपन रिकवर हो जाए तो उस पर 13-20-65 का और साथ 337H2 का आप दफ़ा लगा के उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। जब इसका पर्चा होता है तो 337H2 की जो टोटल पनिशमेंट है जो लॉ के अंदर दी गई है वो 3 महीने कैद है या जुर्माना, लेकिन अगेन जुर्माने की कोई उसमें लिमिट नहीं दी गई। तो लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि आम तौर पे कि एक दिन या दो दिन के अंदर उसकी मुलजिम की बेल हो जाती है। ऑब्वियसली जब वो उसकी बेल होती है तो वो जो डेटरेंस इफेक्ट है जो क्रिएट होना चाहिए एक स्टेट का, एक वो उस पर होना चाहिए, डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कुछ लोगों पे, अनफॉर्चुनेटली वो उसका नहीं होता। सूबे के सबसे बड़े शहर के आप SSP इन्वेस्टिगेशन इस टाइम लगे हुए हैं, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 550 से ज़ायद हवाई फायरिंग के मुकदमा दर्ज किए आपने, क्या आप समझते हैं कि इस टाइम वक्त की ज़रूरत है कि कोई ऐसा एक्ट भी पास करवाया जाए जिसके अंदर ये लोग जो हवाई फायरिंग करके खुद नुमाई कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों पर अपना एक इम्पैक्ट डालने की, एक वो जो कहते हैं अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, डराने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा सजा हो ताकि इन लोगों को खौफ हो? जी, जिस तरह मैं बात कर रहा था KP के अंदर ये रियल फायरिंग एक्ट की मंजूर हुआ है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, पंजाब के अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं इससे इतफाक़ करता हूँ कि ये प्रॉपर इसका कुछ सेक्शन ऑफ लॉ प्रॉपर एक्ट इसके खिलाफ होना चाहिए ताकि इसके डेटेंस क्रिएट हो सके। और दूसरी बात ये है कि एक होती है सिंपल एरियल फायरिंग, वो हमारे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह का मौका हो, कुछ चांद रात हो, पाकिस्तान को मैच जीत जाए, या इसी तरह शब बारात के ऊपर 14 अगस्त के मौके पे, न्यू ईयर नाइट पे ख़ास तौर पर। आप ये सुन के हैरान होंगे कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर हर साल लाहौर के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 डेथ्स रिपोर्ट होती हैं और कम अज़ कम 25 से 30 ऐसे अफराद रिपोर्ट होते हैं जिनको ज़ख्मी होते हैं फायरिंग से। तो एक तो ये हो गया सिंपल एरियल फायरिंग, और दूसरा ये है कि आप हवाई फायर करके असले को डिस्प्ले करके आप सोशल मीडिया पर लगाते हैं, वो एक सेपरेट इशू है। और लेकिन वो जो है सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करने वाला वेपन्स को और हवाई फायरिंग की वीडियो वहाँ पे अपलोड करने वाला जो मामला है उसमें काफ़ी और भी फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि अपने आप की वो एक सॉर्ट ऑफ हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चौधराहट और अपने आप को एक ला को तोड़ के ब्रेक करके अपने आप को एक बड़ा आदमी और स्ट्रांग आदमी साबित करना, और फिर आपकी कोई ग्रुप्स भी बने होते हैं बाज़ महल्लों में जो इमेच्योर किस्म के बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए या अपना एक इम्प्रेशन डालने के लिए वो इस तरह का एक्ट करते हैं। लेकिन उसमें बदकिस्मती ये है कि बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर असले का डिस्प्ले होता है, ये आपके भी नोटिस में होगा, कई ऐसे लाहौर के अंदर वाक़यात हुए हैं जब ये लड़ाई इतनी दूर आगे चली गई है कि जहाँ पे 2-2, 3-3 बंदों की डेथ भी हो गई है फायरिंग के तबादले में। तो ये एक बड़ा हार्मफुल चीज़ है मेरे ख्याल है, और सोसाइटी को नुकसान हो रहा है इससे ओवरऑल, और लोगों का जो है जो सुकून है वो भी इससे तबाह होता है। मोहल्लेदार कोई अंदाज़ा है कि अंधी गोली लगने से लाहौर में रवा सर कितने हलाक हुए होंगे? ये अभी मेरे पास इतना कन्फर्म डाटा तो नहीं है, लेकिन ये भी कम अज़ कम कुछ 6-7 से ऊपर केसेस हमारे पास ऐसे। ये अंधी गोली तो वही होगी ना जो किसी ने एरियल फायरिंग की और वो गोली जो है वो नीचे आ गई? उसमें डिपेंड करता है, कुछ इस तरह भी है और कुछ ऐसी भी होती हैं कि दो फरीकान की आपस में लड़ाई हो रही है और कोई राहगीर बीच में जा रहा है दूर कहीं जाके, उसको वो आपस में वो हिट करते हैं, फायरिंग वो क्रॉस फायरिंग हो रही होती है और वो कहीं से बच के गोली स्ट्रे बुलेट की शक्ल में किसी राहगीर को लग जाती है, उसमें इस तरह के भी इंसिडेंट्स हुए हैं लाहौर के अंदर। बहुत मेहरबानी।
SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार केसरानी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि लाहौर के अंदर रवान साल 550 से ज़ायद हवाई फायरिंग के मुकदमा दर्ज किए हैं, जो गुज़िश्ता साल दर्ज होने वाले मुकदमा से कहीं ज़्यादा हैं। और जितने भी मुलजमान पकड़े जाते हैं उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, या उन्होंने अपनी इलाके में चौधराहट दिखानी होती है, या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो हवाई फायरिंग, एरियल फायरिंग करते हैं या शो ऑफ वेपन करते हैं और उसको फिर सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। और अब पुलिस जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई भी और इस क्रैकडाउन के अंदर तकरीबन 600 के करीब अब तक मुलजमान जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन सज़ा ना होने की वजह से मुलजमान अगले रोज़ ही बाहर आ जाते हैं और उनका जो पुलिस का एक खौफ है उनके दिलों में वो ख़त्म हो जाता है। जिस इशू के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है शो ऑफ वेपन और एरियल फायरिंग, और लोग जब ये एरियल फायरिंग करते हैं और शो ऑफ वेपन करते हैं तो उसकी वीडियोस जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं और पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, जिसके लिए हमने आज तकलीफ दी है पंजाब बार कौंसिल के नौ मुंतखब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सैयद फराद अली शाह साहब को। फराद भाई, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बनने पर। फराज भाई, एक शख्स है जो हवाई फायरिंग करता है, उसकी वीडियो बनाता है और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। कोरोना से पहले ये ट्रेंड, यानी रवां साल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इसको को अरूज मिला और हर शख्स ने फायरिंग करके लगानी शुरू कर दी, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने गनमैन और हाथ में असलहा पकड़ा हुआ था, गो वो फायरिंग नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने उसकी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दिया। इस ट्रेंड के बाद पुलिस मुतहरिक होती है, पुलिस बहुत ज़्यादा मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस के मुताबिक 550 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन वो मुकदमा जो है वो 337H2 दफ़ा के तहत दर्ज किए जाते हैं, जो एक्ट ऑफ रैशनेस है, यानी कोई भी रैश एक्ट करता है वो है, लेकिन एरियल फायरिंग या शो ऑफ वेपन उसके अंदर कहीं पर भी नहीं है। क्या वजह है कि कोई ऐसा कानून ही नहीं है, कोई ऐसा एक्ट ही नहीं है कि जो वो मुलजिम हरकत कर रहे हैं उसकी सज़ा उसको मिल सके? पहले तो मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने हमेशा ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो जनरल पब्लिक के मसाइल से रिलेटेड होते हैं, और उस पर हम हमेशा जो हाईलाइट करना चाहते हैं इशूज़ को एज ए लीगल बॉडीज़ के, जिस पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और लेजिस्लेशन नहीं हो सके, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रिसेंट दौर के अंदर जब आपका सोशल मीडिया फ्लरिश करना शुरू हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उसमें एक नई एप्लीकेशन आई जिसने सारी दुनिया में धूम मचा दी, दैट वाज टिकटॉक। और टिकटॉक की आने के बाद और टिकटॉक के ने आके असले की नुमाइश और बड़ी गाड़ियों की नुमाइश और पुरताश किस्म के जो घर थे वो एक ट्रेंड सेट कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से हर आदमी, हमारा जो नया बच्चा है जो आज 14-15-16 साल के एज स्लॉट का है, उसने वेपन दिखाना शुरू कर दिया, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब उस पर पुलिस का कसूर इसलिए नहीं है कि आपका पेनल कोड जो है वो सर्टन एक्ट्स को सर्टन ऑफेंसेस के अंदर ना सिर्फ उसको डिफाइन करता है बल्कि उसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब आपका नेगलिजेंट एक्ट या रेकलेस एक्ट जो है वो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 337H2। अब जो ऑफेंस प्रोवाइडेड है उसी के मुताबिक, और पिनल कोड जो है ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई कर रहा है। अब हमारा इशू इज दैट कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी 18th अमेंडमेंट आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन की NFC अवार्ड होने के बाद, प्रोविंस को आपने अथराइज कर दिया कि वो अपने कानून साजी जो है वो करेगा। अब पिनल कोड को वो इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते अनलेस कि वो कोई ऐसा एक्ट लाएं जो उसके साथ उसको स्पेशल लॉ के तौर पर लाएं। जैसे आपका, मैं आपके सामने रखता हूं कि कुछ ऐसे लॉज हैं, जैसे आपका सूद के हवाले से पंजाब लैंडिंग ऑफ मनी एक्ट जो था वो लेके आ गए, उसकी 10 साल सज़ा उन्होंने कर दी। जिस तरह अभी आप 489F के हवाले से सुन रहे हैं, वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा फुकदान जो है वो आपकी लेजिस्लेशन करने वाली जो बॉडीज़ हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो और तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए वो नहीं कर रहे। अब देखें, ये इतना बड़ा मसला है कि ये एक पैनिक क्रिएट करता है कि अगर आप फर्जन वाला, मैं और आप यहाँ बैठे और यहाँ पे अभी कोई आदमी क्लाशन को ब्रश चला दे तो आप और मैं पैनिक हो जाएंगे, हम एक लम्हे के लिए अपनी ड्यूटी जो है उसको छोड़ देंगे, हम एक लम्हे के लिए इनसिक्योर फील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म में लाना चाहिए कि जिससे आप सोसाइटी को पैनिक कर रहे हैं।
आप सोसाइटी को पूरे तरीके से खौफजदा कर रहे हैं, और बाई द एंड अगर आपको बूटा ऐसे ही पकड़ के ले जाता है, मचलका दे के उसी टाइम रिलीज हो जाते हैं क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। तो लेजिस्लेशन की बहुत अशद ज़रूरत है, और ये आपका मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम से अरबाब इख्तियार में बैठे हुए लोग जो बाइख्तियार हैं लेजिस्लेशन के लिए, वो शायद वो सोच लें और इस पर लेजिस्लेशन करें जो कि हमारी इस वक्त नीड ऑफ दी आवर हो चुकी है। फराज साहब, क्योंकि आप फौजदारी के बहुत मजे हुए वकील हैं, ये बताइएगा कि एक शख्स जब फायरिंग करता है और वो वीडियो अपलोड करता है, कुछ दिन के बाद वो वीडियो वायरल होती है और मुतलका पुलिस जो है उसको जाके पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ के उसकी गिरफ्तारी डालते हैं, उसको अदालत पेश करते हैं, उसी टाइम उसकी जमानत हो जाती है, तो कितना क्रिमिनल माइंड सेट को ये चीज़ प्रोवोक करती है? बेसिकली इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो 2016 में साइबर के हवाले से आपने नया लॉ दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस था उसको आपने नए एक्ट में लेके, जिसको हम पीका कहते हैं, उसके अंदर भी सितमगरीफी ये हुई कि सज़ा जो है वो बहुत ही लेसर साइड की रखी गई, और उसमें मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, एक्सेप्ट टेररिज्म एंड एक्सेप्ट पोर्नोग्राफी जो है वो उन्होंने नॉन बेलेबल किया, और बाकी जो ऑफेंसेस हैं वो उन्होंने बेलेबल कर दिया। बेलेबल ऑफेंस के अंदर अंडर सेक्शन 496 CRPC इट इज़ द राइट ऑफ अ सिटीजन दैट इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल देन He has to only tender a surety bond before the court and court has no other option except to grant bail. तो ये हमारा law है, as a matter of right, constitutional right है। तो जब तक आप उसको non-bailable नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी सजा को नहीं बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपके सामने, आपने बड़ा important question रखा है, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि हमारे ना एक आदमी किसी को गन पॉइंट पर लूट लेता है, उसको आप सजा दे रहे हैं 7 साल डकैती की, उसको आप मैजिस्ट्रियल ट्रायल कर रहे हैं। एक आदमी फ़ोन पे कहता है मुझे 5 लाख दे दो वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 680A के अंदर, सजा दे रहे हैं 780A के अंदर, उसको आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं और ट्रायल उसका ATC कोर्ट से करा रहे हैं कि ये बड़ा हीनियस ऑफेंस। तो ये बेसिकली ऑफेंसेस का जो आपने मैार रखा है, सजा का जो डेफिनेशन रखी है, ये बड़ी मुतजाद है, और इसके ऊपर हम कई दफ़ा बार काउंसिल्स की सतह पे, कई दफ़ा अदालतों की सतह पे हमने सेमिनार्स किए हैं इस पे कि खुदा रहा आप देखिए कि आप ऑफेंस की संगीनी देखें और सज़ा का तायुन देखें, तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। हम आज भी 1871 और 1876 और 1880 के कवानीन को लेकर चल रहे हैं, और जो अब मॉडर्न डिवाइसेस जैसे आई हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लेजिस्लेशन की। लास्टली, अगर एक शख्स जिसकी इलाके के अंदर किसी के साथ कोई चपकलिश है या कोई रिफ्ट चलती है और वो अपनी छत पर खड़ा होकर फायरिंग करता है, तो इनडायरेक्टली वो अपने जो राइवल है उसको मैसेज दे रहा है कि वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। पुलिस अगर उसका 337(2) का मुकदमा दर्ज करती है, तो आप समझते हैं कि पुलिस का ये वाला एक्ट जो है वो जस्टिफाइंग है उस शख्स के लिए जो किसी को डराने के लिए फायरिंग कर रहा है? देखिए, बेसिकली पुलिस के पास जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, कि अगर वो शख्स जिसको वो डरा रहा है, अगर तो वो आके को अपनी तहरीर दे, तो कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन और जो ओरल असर्शंस दी जाती हैं इन द शेप ऑफ स्टेटमेंट, उसमें से कंटेंट को देखना होता है पुलिस ने कि आइदर वे ऑफेंस क्या बनता है। अगर वो शख्स कहे कि ये मुझे खौफजदा करने के लिए फायरिंग कर रहा है, तो देन इट अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन कि आप उसको खौफजदा कर रहे हैं अपने किसी मुखालिफ, तो ये 506 में चला जाता है। और अगर उसने डायर कॉन्सिक्वेंसिस का थ्रेट किया, तो वो 7 साल सजा है, नॉन अवेलेबल है। तो कंटेंट्स जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, जैसे आप देखेंगे बॉडी का, अगर सर फट गया उसका ऑफेंस अलग है, सजा अलग है, अगर खोपड़ी टूट गई है उसका ऑफेंस अलग है, सजा अलग है, अगर बाजू टूट गई है, डिसलोकेट नहीं हुई, तो ये बेसिकली पेनल ऑफेंस जो है जैसे जैसे कंटेंट चेंज होता है। 337(2) में सजा मैक्सिमम सजा, मैंने तो आज तक 337(2) में सजा होते देखी नहीं, उसकी वजह यह है कि ये इसमें सजा दो तरह की प्रोवाइड की गई, वन इज पनिशमेंट, अदर इज फाइन। तो ये ज्यादा लोग जो है वो नॉर्मली जजे से 500-700 हज़ार रुपए फाइन कराते हैं। फाइन की कोई लिमिट? कोई लिमिट नहीं, वो मिनिमम साइड पे दी हुई है, मैक्सिमम साइड पे नहीं देगी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप समझते हैं कि दिस लीड्स टू इट अमाउंट्स टू एन अबैटमेंट, ये एक अबैटमेंट है स्टेट के ऊपर। मैं इसको खुले अल्फाज में कहूंगा कि कानून साजी ना करके आप मुजरम का साथ दे रहे हैं, कानून साजी ना करके आप उसको ढील दे रहे हैं कि वो माशरे को जिस तरह मर्जी क्रिमिनली इंटिमिडेट करे, वो माशरे को जिस तरह मर्जी थ्रेट करे, उसको पता है कि मैंने जाके बाय द एंड मैंने देना तो 500 रुपये फाइन ही। बहुत शुक्रिया।
نو منتخب پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سید فراز علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے لیجسلیشن کی جائے اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی لیجسلیشن لائی جائے کیونکہ ایک شخص جس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے یا علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس کے خلاف 337(2) کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا تو اگلے دن جا کے وہ 500,000 روپے دے کے عدالت میں جمع کرا کے اپنی ضمانت کرا لے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ معاشرے میں اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا جس کو ان کے مطابق یہ اسٹیٹ کی کمزوری ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر فوری طور پر رجسٹریشن ہونی چاہیے اور اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی طریقہ کار جو ہے وضع کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا ایکسپرٹ آمنہ منور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ آمنہ سے جانیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کس طرح سے انسان کو اچھے اور برے کی جانب راغب کرتا ہے اور ویسے سوشل میڈیا کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے اور اب ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کی ایک انتہائی اہمیت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ آمنہ وقت کے لیے بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟ بیسکلی تو بہت امپورٹنٹ ہے، کمیونیکیشن ٹول ہے آپ کا، لیکن اس کو یوز کرنا اس وقت آپ کو بہتر آتا ہے جب آپ آلریڈی ایجوکیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی مشینری جب آتی ہے اس کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے، مینول آپ کو پڑھنا آتا ہو تو آپ مشینری کو اچھی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مینول پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے، ہم پہلے مشینری ہینڈل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ مس ہینڈل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں یہ کہوں گی کہ ہمیں پہلے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح سے موبائل بہت زیادہ عام کر دیے گئے، اینڈرائڈ بہت زیادہ عام ہے، سستا ہے، باقی ممالک میں آپ لوگ دیکھ لیں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیٹ پہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ صرف شغل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور نگیٹیو بھی ہیں۔ پازیٹیو یہ ہے کہ لوگوں کی کچھ اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے، لوگ چیزوں کو دوسرے رخ سے بھی دیکھنے لگے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کیونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ ایک مطلب بھیڑ چال چلنے والے لوگ یہاں زیادہ ہیں، ایک مخصوص سوچ محدود، تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو تھوڑی چینج ہو رہی ہے کیونکہ بچے آج کل پڑھ بھی رہے ہیں، بڑے شہروں میں زیادہ ایجوکیشن ہے اس طرح سے زیادہ ہے، لیکن اس کا جو ایک یہ خود پسندی ہماری عوام میں یا ہماری قوم میں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، وہ ہے ہوائی فائرنگ کرنے کا، اسلحے کی نمائش کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوانوں کا گروپ ہے، دوست ہیں، وہ جاتے ہیں کسی لڑکے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اسلحہ پکڑا ہوا انہوں نے اور اس کے بعد وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس سوچ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بینگ این ایکسپرٹ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو لڑکوں کے اندر یہ جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایج فیکٹر ہوتا ہے، آپ کو ایک ایج ہوتی ہے ٹین ایج میں، آپ آ کے نا اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے لڑکوں کو چاہے لڑکیوں کو، تو وہ سوشل میڈیا ہم ان کے پاس ایک ٹول ہے، ہمارے پاس اور کوئی، وہ ایجوکیٹ نہیں کیا نا کہ پرومیننٹ ہونے کے کون سے زیادہ اچھے طریقے ہیں، برے طریقے بھی ہیں، اچھے طریقے بھی ہوں، کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو یہ وہ والی چیز ہے۔ تو اب اس ایج میں جب ایک دوسرے سے تھوڑا سا مقابلہ کہیں سے ارد گرد اسکول کالجز میں جاتے ہیں، کسی کے پاس ہے اوف گن ہے یار، اس کے پاس گن ہے، وہ کیا ہے اگلے دن کہیں نہ کہیں سے وہ بھی گنز وغیرہ وہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ یہ جو ایک لائکس لینے کا فوبیا ہے اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا اور مشہور ہونے کا، جو ہماری ایک عوام میں نا ہمارے اندر یہ ایک نیگیٹو ہے کہ ہم لوگوں نے مشہور ہونا بہت پسند کرنا شروع کر دیا، وہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس حوالے سے مشہور ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کوئی ریگولیٹری باڈی ہے یہ سوشل میڈیا کی جو یہ دیکھتی ہو کہ کیا اچھا رہا ہے کیا برا رہا ہے؟ دو کہ فیس بک جو ہے وہ خود سے ان چیزوں کی اسکریننگ کر رہا ہے، لیکن ویسے کوئی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان میں اگر ہوتی تو اس میں تھوڑا سا کنٹرول ہوتا، ایف آئی اے کو میرے خیال میں تو دیکھنا چاہیے، ایف آئی اے کو اس کے سائبر کرائم، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سائبر کرائم کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو ایف آئی اے کو اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے،
अगर इनके पास कोई रेगुलर अथॉरिटी है तो इनको ट्रैक करना चाहिए, ट्रैक करके देखें कि ये लाइसेंस्ड हैं नहीं हैं। अव्वल तो लाइसेंस्ड हैं तो फिर तो कम अज़ कम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों है उनके कान। आपको लगता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है वो पॉजिटिव यूज़ भी हो रहा है, क्योंकि जिस जो ट्रेंड हमारे मोस्टली हम देखते हैं जो चल रहे हैं वो तो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे यूथ के ऊपर। आपको लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कोई सोशल मीडिया का हमारे नौजवानों पर? मुझे लगता है कि जो 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 पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो आगे बढ़ने वाले हैं वो लोग पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे। ये ठीक है कि छोटे यंग एज के बच्चे ज़रा डिट्रैक जल्दी हो जाते हैं। पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे बच्चों को ओपिनियन बिल्डिंग आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वो रिसर्च एंड R&D की तरफ ज़रा जा रहे हैं। उसके अलावा वो लोग अपनी अच्छी बातें बहुत सारी सीखते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं वो उनको मिलती हैं, वो उसकी तरफ जाते हैं, एजुकेट हो रहे हैं अपने आप को। बहुत सारे बच्चे ग्रूम करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन बैठ के, बहुत सारी चीज़ें सीखने का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन नेगेटिव वही लोग हैं जिनका एक माइंडसेट था कि हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त होना चाहिए और इतना प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए उसका, और सॉलिड एक्शन लेना चाहिए ताकि उसी कम्युनिटी में जिनका आपस में कंपटीशन सा चल रहा है ना कि आज ही उस मोहल्ले में वो लड़का रहता है उसने टाट की है तो आज हम करके उसको दिखाएंगे कि हमारे पास ज़्यादा गन है और हमने पता नहीं। हमारी ज़िंदगियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट है सोशल मीडिया? जी बिल्कुल 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 है सोशल मीडिया। मेरे ख्याल में तेज़ी से अब तो बढ़ रहा है। अगर कोई लड़का सोशल मीडिया पर फायरिंग की वीडियो देखता है तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इसको अडॉप्ट भी करेगा? मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस एज के लड़के होते हैं उनके अंदर अडॉप्शन का, अगर उनके उनके हल्का अहबाब में अगर उनको पता है ना कि मेरे फलाने दोस्त के पास या उसके रेफरेंस से किसी लड़के के पास कोई वो ये है गन है या उस तरह से है तो वो थोड़ा सा एक्सेस में, अगर उसके एक्सेस में वो थोड़े तो वो इसकी तरफ फौरन राकिब हो जाता है कि यस लेट्स डू दैट, हम भी करते हैं यार, ये देखिए इसकी लाइक्स देखी हैं इसकी यूं कर, जस्ट फॉर दैट के लाइक्स बढ़ रही हैं और हम मशहूर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आमना मुनव्वर की आप गुफ्तगू सुन रही थी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और जितनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बेदरेब इस्तेमाल हो रहा है। हर बच्चे अब तो हम टॉडलर्स को भी ये फ़ोन देना शुरू हो गए हैं तो वो उसकी इतनी ज़्यादा खपत है यहाँ पर, इतना ज़्यादा उसका यूजेज है कि लोग जो है उसे डिट्रैक्ट होते जाते हैं और जिन कामों के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए उन कामों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं और फिर बहुत बड़ी तादाद, इनके मुताबिक 50% जो तादाद है वो उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करती है जस्ट फॉर फन, लेकिन पुलिस और दीगर लोग जो हैं वो इससे उनके मुताबिक ये चीज़ें जो हैं लोगों को क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ भी लेके जाते हैं। माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। सोशल मीडिया पे ये जो ट्रेंड है जिसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड की जा रही हैं, ख्वाब वो हवाई फायरिंग की है या असले की नुमाइश की है या बॉडी गार्ड्स के साथ कहीं पे जाते हैं और किसी नौजवान को पीट देते हैं और उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले ऐसा ट्रेंड नहीं होता था, सोशल मीडिया भी बहुत अरसे से है, लेकिन ये वाला ट्रेंड जो है ये एकदम बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आई है और बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। जैसे SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी बताया कि 550 से ज़ायद मुकदमा सिर्फ दर्ज किए गए और 600 के करीब लड़कों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसकी वजह क्या है? हमारे साथ मारे नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफीक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। प्रोफेसर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, ये एक नया ट्रेंड आया है इसकी क्या वजह है? देखिए जी, इसके मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। पहली बात यह कि ये ट्रेंड जो मुझे पता चला है वो यही है कि ये बच्चे टीनएजर्स में ज़्यादा ये ट्रेंड है। एक तो इस उम्र में आपको पता है कि एग्रेशन वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे के कुछ बायोलॉजिकली नीड्स भी होती हैं टूवर्ड्स एग्रेशन या एंगर आउट की नीड्स होती हैं, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो अपने आप को इस तरह की चीज़ें करके जो अपनी जहन को सुकून देने की कोशिश करते हैं। एंड डेफिनेटली हमारी बहुत सी ऐसी पेरेंटिंग में भी जो है
चेंजेस आ रही हैं। एक ज़माना होता था कि जब पेरेंट्स नहीं होते थे तो सरोगेट जो होते थे वो दादा दादी होते थे या आपका पूरा नेबरहुड होता था बच्चे की असलाह करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में चले गए हैं और लोग पसंद भी नहीं करते कि कोई इंटरफेरेंस हो, तो हमारे जो पेरेंट्स भी हैं उनके पास भी उतना प्रोडक्टिव पॉजिटिव टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो बच्चा ज़ाहिर है जहाँ से उसको ईजी अवेलेबिलिटी है। अब आप देखें कि जो ये इंटरनेट की फैसिलिटी है हमारे देहातों में भी है, हमारी हर जगह अवेलेबल है, तो ये सोशल मीडिया पे जब लाइक्स आती हैं जब इस किस्म की, तो वो उस बच्चे को लगता है कि हम बड़े बहादुर हैं, हमारे में मैस्कुलिनिटी है, हम पता नहीं क्या पता कर लेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बच्चे के अंदर एक इंस्टिंक्ट में भी होती हैं, स्पेशली लड़कों के अंदर, तो मेरा ख्याल में वो आहिस्ता आहिस्ता जब लाइक्स आती हैं उसको, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि रीइंफोर्सर बन जाते हैं। हमारा जहन जो है, हम कोई अच्छा काम कर रहे हों तो वो हमें तब भी एक बड़ी खुशी दे रहा होता है, हम कोई नेगेटिव काम कर रहे हों तो वो भी वक्ती तौर के ऊपर हमें बहुत खुशी देता है, लेकिन बाद में हमें कहीं ना कहीं वो पछतावा शुरू हो जाता है, गिल्ट शुरू हो जाता है। ये जितने केसेस अभी हुए हैं इन तमाम के अंदर अगर देखा जाए तो लड़के जो पकड़े जाते हैं वो यही कहते हैं कि वो हवाई फायरिंग कर रहे थे विदाउट एनी रीज़न, बस वैसे ही उनका दिल किया और उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, वीडियो बनाई और अपलोड कर दिया। क्या आप समझती हैं ये सिर्फ इसी हद तक है या इसके अलावा भी कुछ और है? हमारी जहन में हमारी जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था वो कहीं पे टूट चुका है जिसकी वजह से हम लोग खुद को मसरूफ रखने के लिए और अपनी शोशा या ढाक बिठाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं? जी देखें, डेफिनेटली पहले जो दुनिया थी वो इतनी वर्चुअल वर्ल्ड नहीं थी और वो ज़्यादातर लोगों के पास इतनी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी इस तरह की चीज़ों में। अब हमारी जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो पेरेंट्स से हट के पीयर प्रेशर पे जाना शुरू हो गए हैं और उसके अलावा जो है वो एक मीडिया की तरफ भी, वो भी एक तरह का हमारा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। हम लोग बच्चों को अवेलेबिलिटी है हमारी जैसे गेम्स एंड डिफरेंट पबजी वगैरह, क्योंकि उस पर भी बैन लगा, और वो क्योंकि वो अग्रेशन क्रिएट करती हैं, ये एक मामूली चीज़ नहीं है। चाहे बच्चा शुरू में थ्रिल की वजह से करता है, एक चीज़ का एक कहते हैं ना कि एक एक्सपोजर लेने के लिए करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से रीइंफोर्समेंट होता है, बिहेवियर लर्निंग होती है उसकी इस किस्म की, कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इकदाम में जो है मुलव्वस होना शुरू हो सकता है। ये जो हमारे टीवी शोज थे, हमारी जो पुरानी पंजाबी फिल्में थी, उसके अंदर एक हीरो होता था, वो फायरिंग करता था और बंदों को मार देता था और उसको कितनी भी गोलियां लगी होती थी वो फिर भी जिंदा रहता था और उनके नाम भी बड़े अजीब से होते थे। फिर जब अब हमारी फिल्में थोड़ा सा प्रोसेस हुई, वक्त गुजरा, उनमें भी हमेशा से विलन और जो हीरो था उसको भी असले के जोर के ऊपर विलन और हीरो बनाया गया या मार कुटाई के ऊपर कराया गया। अब जैसे आपने पबजी का नाम लिया कि वीडियो गेम आई है, उसके अंदर भी तशद्दद दिखाया जा रहा है, पुरतशद्दद किस्म की वो गेम है, तो जब हमारे बच्चे देखेंगे, और दूसरा जैसे आप कह रही थी कि हम लोग टाइम एक दूसरे को कम देते हैं और ज़्यादातर वीडियो गेम्स और मोबाइलों पे बच्चे लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि एक मुआशरा जो एक नई जनरेशन आ रही है वो इसी तरह की पुरतशद्दद किस्म की ज़हनियत ला रही है? जी डेफिनेटली, देखिए आपके ब्रेन को या आपके बिहेवियर को जब भी रीइंफोर्समेंट मिलेगी किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए, पहली तो बात यह कि नेगेटिव चीज़ के अंदर एक तरह की लज़त, एक तरह की रिलैक्सेशन, एक तरह की उसकी एक थ्रिल ज़्यादा होती है, और जब इस थ्रिल को बहुत से लोग आपके सोशल मीडिया पे लाइक्स करेंगे तो आप अपने आप को एक हीरो की फिगर में, वो बच्चा या बच्ची जो भी है, ज़्यादातर बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो वो समझना शुरू हो जाएगा। और वो हीरो क्यों बनना चाह रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके बचपन में कोई ऐसी अनफिनिश्ड बिजनेस है या पेरेंटिंग में कोई ऐसी कसर रह गई है या वो बच्चे को जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी वो किसी लेवल पे नहीं मिली, तो वो अपने आप को मनवाना चाह रहा है। जब वो अपने आप को मनवाने के लिए इस किस्म के नेगेटिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होगा और रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो डेफिनेटली उसका जहन जो है साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक। एक लड़का 18 या 20 साल की उम्र में हवाई फायरिंग करके अपनी वीडियोज अपलोड करता है, तो ये इस चीज़ की तरफ लीड करता है कि वो आइंदा क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ उसका रुझान हो जाए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें जी, जितने भी जुवेनाइल्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई हैंड्स ऑन एक्सपोजर होता है वेपन्स का, तो देखा जाए तो जब भी बच्चों ने थ्रिल के थ्रू कोई भी चीज़ करने की कोशिश की है, चाहे वो चोरी या कोई भी चीज़ है, कई लोग सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की खातिर, और बड़ी अच्छी फैमिलीज होती हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बच्चे सिर्फ और सिर्फ या तो कंपनी करने के लिए, पेयर प्रेशर के लिए या थ्रिल के लिए इस किस्म की जब भी हरकत करते हैं, तो अगर रीइंफोर्स होती जाएगी तो वो डेफिनेटली एक बिहेवियर जो है वो अल्टीमेटली डिलिक्वेंट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। हमारे मुल्क में अभी हर चीज़ जो है वो कोरोना पर डाली जा रही है कि ये भी कोरोना की वजह से हो गया, ये भी कोरोना की वजह से हो गया, एक्सीडेंट होता है तो कोरोना जेन में था, कोई फौत भी हो जाती है वो कोरोना था,
अगर वालदेन से या सोसाइटी से ये पूछें कि ये जो आजकल रुझान है फायरिंग का, ये क्या वो कहते हैं कोरोना की वजह से फायरिंग बैठे हुए इसलिए हो रहा है, आप बींग ए भारे नफ्सियात अभी यही समझती है कि ये सारा कुछ कोरोना पे डाल देना? देखें, एक स्ट्रेसर तो है, देखें एक होते हैं लाइफ स्ट्रेसर होते हैं, एक होता है प्रोलॉन्ग स्ट्रेसर। आप देखें कि तकरीबन एक साल होने वाला है, बच्चे जो हैं वो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। देखें बच्चों के लिए बाहर जाके खाना खाना, अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना एक मेंटल रिलैक्सेशन है। अब मेंटल रिलैक्सेशन वो किस तरीके से करेंगे, या अपनी तस्वीरें लगा के करेंगे, या वो अपनी इस तरह की वीडियोज़ लगा के करेंगे। आप देखें कि एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट हुआ, हर बंदा एक एंकर बन गया। क्या कि ऐसी नेगेटिव जो एक्टिविटीज हमारे नौजवान कर रहे हैं वो उससे बाज रहे हैं? देखिए, ये सबलिमिनेशन हो सकती है कि वो गेम्स की तरफ आए, सबलिमिनेशन हो सकती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जहाँ कोरोना ने बहुत से नेगेटिव चीज़ें जो की हैं उसमें एक पॉजिटिव ये है कि लोगों के पास टाइम भी था, तो पेरेंट्स भी ज़्यादा टाइम दें, अपनी फैमिली लाइफ को दोबारा से कोहेसिव करें। आप वर्चुअल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों के साथ प्रोडक्टिव चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आप डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ही देखें। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए कि अपने बच्चों की जो भी वर्चुअल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी वो देखते हैं सोचते हैं उनके ऊपर थोड़ी नज़र रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक की आपने गुफ्तगू सुनी। जहाँ पर हमारे वालदैन का बहुत बड़ा किरदार है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी हरकत सकनात क्या हैं, उसके ऊपर उनका नज़र रखना बहुत अहम है, वहीं पर डॉक्टर साहिबा का कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री टाइम हुआ है और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए लोग जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गए, जिसके अंदर ये वाई फायरिंग भी उनमें से एक चीज़ है। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि जहाँ पर वालदैन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहीं पर सोसाइटी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है इसके अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले जो हैं उनको नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसी पुरतशद्दत गेम्स तो नहीं खेल रहे और इस किस्म की हरकतें तो नहीं कर रहे, उनकी सोसाइटी कैसी है जिसके अंदर वो बैठ रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाए तो कभी ये इम्कान है कि इस किस्म के वाकयात जो हैं, इस किस्म का जो रुझान है उसमें कमी लाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।